हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी लड़की आपके बारे में क्या फील करती है, कैसे पता करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्रश है या आप किसी लड़की को पसंद करते हो, चाहे आपके ऑफिस की हो या आपके कॉलेज की हो, कोई भी लड़की हो, अगर आप उसकी फीलिंग जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फील करती है, उसके दिल में आपको लेकर क्या है, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस लड़की को जानने में, उसे समझने में आसानी होगी। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप किसी भी लड़की की फीलिंग्स पता कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लड़की आपको लेकर क्या फील करती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपको किसी की फीलिंग्स पता करनी है, उसके मन की बात जाननी है कि वो आपको पसंद करती है या नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस लड़की के सामने किसी और लड़की से बात करो, वो भी हंस हंस कर बात करो, ठीक है। उसे ये लगना चाहिए कि आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है। ऐसा करने से होगा क्या कि इस तरह से अगर उस लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी तो उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे, ठीक है, या एक तरह से उसके चेहरे से आपको दिखाई देगा कि हाँ, उसको गुस्सा आ रहा है या जलन है, एक तरह से जलस फील कर रही है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, जिससे आपको उसके फीलिंग्स पता चल जाएंगे। पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि एक बार से आपको उसके फीलिंग्स नहीं पता चलेंगी, ऐसा आपको कंटिन्यू 3 से 4 दिनों तक करना है, जिससे आप उसकी फीलिंग्स जान पाओ कि वो आपको पसंद करती है या उसके दिल में आपको लेकर कुछ ना कुछ है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि अगर लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी या वो आपको पसंद करती होगी, तो उस दौरान ना वो आपकी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि आप क्या करते हो, क्या बोला था, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप उसे ये पूछ सकते हो कि आपने 2 दिन पहले किस कलर की शर्ट पहनी थी, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, वो आपको अच्छे से नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है। लाइक अगर वो रिप्लाई दे देती है, ठीक है, आपको बता देती है कि हाँ, तो इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको अच्छे से नोटिस करती है। तो इससे भी आप फीलिंग्स पता कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, लड़की की फीलिंग्स पता करने का एक और तरीका होता है, जो कि है अगर लड़की आपसे कंटिन्यू, ठीक है, पहले से ज़्यादा बातें करती है, लाइक आपसे बातें बहुत ज़्यादा शेयर करने लगी है, ठीक है, जितना कि पहले नहीं करती थी, उसके अकॉर्डिंग अब आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी है, अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करती हैं, तो भी आप समझ सकते हो कि वो आपके बारे में कुछ ना कुछ फील ज़रूर करती है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी को चाहते हो, तो आपको उसके साथ रहने का एक बहाना चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी बहाना हो जिससे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सको, उनके साथ बात कर सको। तो इस तरीके से अगर लड़की करती है, तो इस दौरान आप समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करती है, उसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। अगला जो पॉइंट है जिसके ज़रिए आप लड़की की फीलिंग जान सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, वो आपसे ज़्यादा ही पर्सनल हो रही है, आपके क्लोज़ आने की कोशिश करी, लाइक आपकी पर्सनल बातें आपसे जानना चाहती है, आपकी फैमिली में कौन है, ठीक है, आपके पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपके करियर प्लान्स क्या हैं, तो भी कहीं ना कहीं लड़की आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि दोस्तों, लड़कियाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसी इंसान में रखती हैं जिसके लिए उनके दिल में फीलिंग्स होती हैं, वो उस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ फील करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लड़की की तरफ से ये सारे साइन मिल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पसंद ज़रूर करती है। आप आसानी से इन टिप्स के ज़रिए उसकी फीलिंग्स पता कर सकते हो कि वो आपको लाइक करती है या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से किसी भी लड़की की फीलिंग्स पता कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।